सत्य अमर लोक समिति हरमू द्वारा पुरी के तर्ज पर तैयार करवाया जा रहा है काल्पनिक दुर्गा पूजा पंडाल। बंगाल के गांव में मिलने वाले झाऊ के फल फूल और छाल से तैयार हो रहे इस पंडाल की कुल लागत 35 लाख रुपए है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे होते हैं झाऊ के फल फूल और कैसी है यहाँ की तैयारी। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं सत्य अमर लोक हरमू पंडाल के पास और यहाँ का भी पंडाल हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। तो आइए चलिए मिलते हैं उनसे जिनके संरक्षण में पंडाल का निर्माण हो रहा है और उनसे जानते हैं कि इस पंडाल का थीम क्या है और ये कितने बजट में ये पंडाल बन रहा है। मैं सुरेश चंद्र अग्रवाल हूँ, पूजा उत्सव संयोजक और प्रवक्ता, और हमारे साथ कार्यकारिणी सदस्य हैं संजय खेतान। ये सत्य अमर लोक का पंडाल है। पिछले 46 वर्षों से हम लोग यहाँ हरमू रोड में पूजा करते आ रहे हैं। हर बार हम लोग नई कलाकृति देते हैं, इस बार भी हम लोग काल्पनिक मंदिर का रूप दिए हैं जो कि बहुत कुछ पुरी के मंदिर से मिलता जुलता सा रहेगा। और इस पंडाल की चौड़ाई 60 फुट है और ऊंचाई 70 फुट है। इस पूरे पंडाल और पूजा उत्सव में हम लोगों को लगभग 35 लाख रुपए का खर्च आएगा। और यहाँ पर हम लोग मेला भी लगाते हैं जिसमें खाने पीने की सभी वस्तुएं बहुत ही उच्च क्वालिटी की रहती हैं। तो ये जो पंडाल में जो मजदूर काम कर रहे हैं, कितने मजदूर लगभग? अभी 36 मजदूर रात दिन काम कर रहे हैं और ये पंडाल बनाने में यहाँ पर 36 दिन लगेंगे। और कब से ये मजदूर काम कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ रांची में 30 तारीख से काम कर रहे हैं। उसके पहले बंगाल में इन लोगों का काम चल रहा था, वो लगभग 3 महीने से वहीं पे काम चल रहा था। अच्छा, तो इस बार का थीम मतलब काल्पनिक होने वाला है? काल्पनिक मंदिर का प्रारूप होगा, बहुत भव्य और सुंदर होगा। जो इसमें मटेरियल यूज होगा वो क्या चीज का मटेरियल होगा? देखिए, इसके अंदर जो सजावट की जाएगी वो गांव में, बंगाल के गांव में झाऊ के फल फूल और उसका छाल उससे होगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी अंदर में। अच्छा, कि उससे इसका सारा निर्माण अंदर का किया जाएगा। तो देख सकते हैं यहीं पे मटेरियल तैयार हो रहा है। ये थर्मोकोल है ना? एक काफी बारीकी से काम हो रहा है, ये देख सकते हैं। ये झाऊ का फूल है। अच्छा, तो ये फूल क्या झाऊ का फूल है? नहीं नहीं, ये बंगाल से आया। बंगाल से। और ये देखिए, ये झाऊ का पेड़ का छाल है। अच्छा, ये छाल से डिजाइन बना है। अच्छा, फल फूल और छाल। तो ऐसा डिजाइन करने का मतलब सोचे कैसे कि यही सब का इस्तेमाल करना है? हम लोग कारीगरों से बात किए थे, उन लोगों ने सजेस्ट किया। हाँ, उन लोगों ने सजेस्ट किया कि इस तरह का बनाइए, एक यूनिक चीज बनेगी। ये ओरिजिन फल है, झाऊ फल है और बेगुन फूल है और पाटकटी है और बेत फूल है। तो ये फूल सबसे, ये फूल फल और ये छाल है, ये इसी सबसे आप बनाने का क्यों सोचे? मतलब ऐसा डिजाइन पहले कभी किए है या फिर? नहीं, ये नया डिजाइन है। ये नया डिजाइन है। हाँ। तो पहली बार प्रयोग कर रहे हैं? हाँ, पहली बार। तो केवल झाऊ का ही यूज कर रहे हैं कि और दूसरा चीज भी? और दूसरा चीज भी यूज कर रहे हैं। क्या क्या है? झाऊ फल है और बेगुन फूल है, यही यही है, बेगुन फूल। अच्छा, ये सब सब पेड़ से मिलता है? पेड़ से मिलता है। छाल कहाँ है? छाल बंगाल में ही मिलता है? बंगाल में ही मिलता है। ये अर्जुन फल है। अच्छा, अर्जुन फल। और थर्माकोल वगैरह से भी मतलब काम चलेगा? थर्माकोल नहीं, वो जो हिडलन है। हाँ, वो हिडलन का काम होगा। और वो जो मूर्ति दिख रहा है, मूर्ति या सेप जो दिख रहा है, वो क्या चीज के लिए है? वो कहाँ पे लगेगा? गेट पे लगेगा या? नहीं नहीं, अंदर में लगेगा। अंदर में लगेगा? अंदर में। अच्छा,
यहाँ पर हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर काफी लगाते हैं, इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा रहता है और अपनी सिक्योरिटी हम लोगों की रहती है प्रशासन के अलावे भी। रांची वासी इसको कब से देख सकते हैं, मतलब कब ये सब पंचमी से रांची वासी इसको देख सकते हैं? हाँ। लेकिन अधिकृत रूप से षष्ठी को हम लोग पंडाल खोलेंगे। मूर्ति 1.5 लाख रुपए की है और मूर्ति 24 फुट चौड़ी और 16 फुट ऊंची है। यहाँ निर्माण कहाँ हो रहा है मूर्ति का? निर्माण यहीं पर हो रहा है, यहीं पे मेदिनी नगर से कारीगर आए हैं। अच्छा। और यहीं पर निर्माण अलग कारीगर है कि वो अलग कारीगर है? तो देख सकते हो दोस्तों, ये सत्य अमरलोक पंडाल का इंटीरियर है।